अनुक्रम एवं श्रेणी इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, तो बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। हम किसी भी संख्या या ऑब्जेक्ट को एक निश्चित क्रम में जमाते हैं और उसमें कुछ नियमबद्ध तरीके से उसको रखते हैं, तो वह एक अनुक्रम होता है। ठीक है, तो आपने जैसे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये सब वगैरह आपने पढ़े हैं, तो ये सब एक नियम के अंतर्गत हमको इनको पदों को रखते हैं कि पहले स्थान पर किस नियम के तहत है, दूसरे स्थान पर कोई पद कौन से नियम के तहत है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, तो अब हम श्रेणी देखते हैं। श्रेणी में मान लो A1, A2, A3, An एक सीक्वेंस अनुक्रम है, क्लियर। तो यदि हम उन पदों को योग करते हैं तो वह है एक श्रेणी बन जाती है। ठीक है, तो श्रेणी बनाने के लिए हमको अनुक्रम के सभी पदों का योग कर देते हैं। तो जैसे हमने मान लेते हैं कि यहां पर अनुक्रम दिया हुआ है A1, A2, An, और जब हम इसकी श्रेणी बनाएंगे तो इनके पदों को हम योग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस An, इसको हम सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। सिग्मा के इक्वल टू 1 to n AK। तो इसका मतलब ये होता है कि k का मान 1 से लेके n तक वैरी करेगा। तो k का मान 1 रखेंगे तो a1, और सिग्मा मान लो तो प्लस यो, k का मान 2 रखा तो a2, और अप टू कहां तक, n तक। तो ये आपकी श्रेणी बन गई, क्लियर। अब हम प्रश्नावली 9.1 को देखते हैं। इसमें हमको अनुक्रम का एनवा पद दिया हुआ है, तो हमको प्रथम 5 पद लिखना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहां पर an इक्वल टू दिया हुआ है n इंटू n प्लस 2, तो हमको प्रथम 5 पद पर लिखना है। तो a1, n का मान 1 रख दिया, 1 इन 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3। a2 2 प्लस 2 तो 4 इंटू 2 8। a3 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 5, 5 दिया 15, 15। फिर आ जाएगा a4 तो 4 प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 24। फिर इसके बाद a5 7 इंटू 5 35, क्लियर जी। आपके प्रथम 5 पद हो गए। इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में a1 होगा आपका 1 upon 1 plus 1 1 upon 2, a2 कितना होगा 2 upon 2 plus 1 2 by 3, a3 3 upon 3 plus 1 3 by 4, a4 4 upon 4 plus 1 4 by 5, a5 5 upon 5 plus 1 5 by 6, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड an इक्वल टू कितना दिया होगा यहां पर 2 की पावर n, तो a1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 2, a2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4, a3 2 की पावर 3 8, a4 2 की पावर 4 16, a5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर एनवा पद दिया है,
तो वांछित मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन सेवन है, इसका देखते हैं। सेवन, यहाँ पर हमको ए एन दिया हुआ है 4n-3, तो हमको किसका मान चाहिए, ए 17। तो आप क्या करेंगे, n के स्थान पर 17 रख देंगे। तो आप करिए इसको, ठीक है। इसके बाद निकालना हमको ए 24, तो आपका जाएगा 4, यहां रख देंगे 24-3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16 माइनस वो रिमेनिंग 1 = 96। माइनस थ्री कितना हो गया, 93। ठीक है, इसी प्रकार आप नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसमें देखेंगे एन इक्वल टू दिया हुआ है आपका -1 n - 1 n³। तो हमको किसका मान चाहिए, ए 9 चाहिए। तो -1 n के स्थान पर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, 9³। तो यह आ जाएगा आपका -1 8, और यह हो जाएगा 9³। -1 इवन रहेगा तो यह प्लस हो जाएगा, यहां आ जाएगा 9 × 9 = 81 × 9, तो ये हो जाएगा 9 = 72 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखना है, ठीक है, और उसके संगत श्रेणी लिखना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, यहां पर हमको A1 इक्वल टू दिया हुआ है 3। अब हमको A2 ज्ञात करना है, तो A2 हो जाएगा आपका 3 A2-1 + 2, n के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिया आपने, 2 रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 A1 + 2। 3 A1 का मान कितना दिया हुआ आपका, 3 + 2, तो ये आएगा 11। इसके बाद हम A3 देखते हैं, A3, तो n के स्थान पे आपने 3 रख दिया, तो यहां 3, और A2 का मान कितना दिया हुआ है, 11 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 33 + 2 = 35। इसका हम नेक्स्ट देखेंगे A4 आ जाएगा आपका 3 A3 + 2, तो 3 A3 कितना है, 35 + 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2 = 15, रिमेनिंग 9 and 1 = 10 + 2 = 107। इसके बाद हम देखेंगे A5, तो ये हो जाएगा आपका 3 A4 + 2, 3 A4 है आपका 107 + 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 1 + 2, 3 × 2 = 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ओके, थैंक यू।